नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। बिजली विभाग के द्वारा रविवार को 2 टीम गठित कर अधिशासी अभियंता जमनिया महेंद्र मिश्रा एवं एसडीओ दिलदार नगर एसएन प्रसाद के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। विभाग के करीब 6 मीटर रीडर, 2 जेई सहित 20 कर्मचारियों द्वारा भदौरा यूनियन बैंक चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक सभी घरों और दुकानों की चेकिंग की गई। बिजली विभाग की चेकिंग से लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एसडीओ द्वारा घर घर जाकर बिजली कनेक्शन देखा गया। इसके अलावा चोरी से बिजली उपभोग कर रहे करीब 10 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। 20 उपभोक्ताओं का सुविधा परिवर्तन कराया गया एवं करीब 3 लाख रुपए के राजस्व की वसूली भी की गई। अधिशासी अभियंता जमनिया महेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभियान के तहत चेकिंग की जा रही है। भदौरा बस स्टैंड पर चलाए गए अभियान में चोरी से विद्युत उपभोग कर रहे 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दर्जनों कनेक्शन काटे गए हैं और करीब 3 लाख रुपए की राजस्व वसूली भी की गई है। बताया गया कि अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। गाजीपुर में समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर आयोजित हुई। इस बैठक में समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अतीक अहमद रायनी ने समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नव मनोनीत पदाधिकारियों की घोषणा की और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव एवं विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किया, साथ ही माल्यार्पण कर बधाई भी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने मनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उनका मनोनयन किया है, पदाधिकारी गण ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पार्टी का नाम रोशन करने का काम करेंगे। आज दिनांक 11/10/2020 को अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह के निर्देशन पर दूसरे दिन भी विद्युत विभाग का जिले में महामेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर क्षेत्र के रौजा उपकेंद्र पर शहर एसडीओ शिवम राय के नेतृत्व में मेगा कैंप लगाया गया। इसमें कुल 55 उपभोक्ता कैंप में आए और 8 लोगों का बिल रिवीजन किया गया एवं 2 लोगों का लोड भी बढ़ाया गया तथा 8 लाख की वसूली की गई एवं 10 लोगों का बकाया पर केबल काटी गई। चेकिंग अभियान में मुख्य रूप से अवर अभियंता रोहित कुमार, अविनाश सिंह, सुपरवाइजर शिवम राम सिंह, मीटर रीडर वरुण राय, आशीष प्रजापति एवं समस्त लाइनमैन लोग शामिल थे। रविवार को स्वाभिमान संगठन की मासिक बैठक करंडा क्षेत्र के ग्राम सभा चाड़ीपुर में हनुमान कुटिया पर संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंडा पर स्वास्थ्य कर्मियों के न आने से जनता को हो रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। वहीं गोसेंदुपुर में सड़क पर बह रहे नाले के पानी में क्षतिग्रस्त सड़क व सदर ब्लॉक के अहिरपुरवा के पास सड़क पर गिराए जा रहे कूड़े की समस्या पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर स्वाभिमान संगठन के विनी दुबे, सपन दुबे, मंटू राय, पीयूष राय, मनीष राय, जय राय, विपिन चौबे, हवलदार चौधरी, वीरेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड के डिजिटल वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण के माध्यम से रविवार को पूर्वाह्न 11:15 शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई प्रांत के मुख्यमंत्री व ग्रामीण क्षेत्रों से चिन्हित ग्रामवासियों से सीधे संवाद वार्ता की तथा स्वामित्व योजना के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी धारकों के मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से देश के प्रॉपर्टी धारक अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। लाइव प्रसारण के दौरान जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, विधायक सदर डॉक्टर संगीता बलवंत, विधायक जमानिया सुनीता सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार, तहसीलदार एवं पंचायती विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।